शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पैगाम हक है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, अल्लाह की अजीम किताब जो हमें बचाने के लिए आई, जो हमें समझाने के लिए आई, जो हमें जहन्नम से बचाने के लिए आई। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का हम पर इनाम है। इन्नमा तू अदूना ला सादिक, अल्लाह कहते हैं हमसे, कह रहे हैं यकीन मानो जो तुमसे वादे किए जा रहे हैं ये सब सच्चे हैं। वा इन दीन अला वाकी, और बेशक इंसाफ होने वाला है। वस्समाई ज़ातिल हुबुकी, कसम है रहो अले आसमान की। इन्नकुम लफी कौली मुख्तलिफ, यकीनन तुम मुख्तलिफ बातों में अपना वक़्त तबाह कर रहे हो। इससे वही बाज रखा जाता है जो फेर दिया गया हो, बेसनद बातें करने वाले गारत कर दिए गए। अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन साहून, जो गफलत में जिंदगियां तबाह कर रहे हैं और भूले हुए हैं। यस अलूना अयाना योमुद्दीन, और ये पूछते भी हैं कि ये दिन कब होगा। योमा हुमुल हुम अलन्नारी युफ्तनून, कि जिस दिन हम इनके अंदर से लोहे का राड आर पार करके इन्हें आग में भूनेंगे। इसका यही तर्जुमा है कि जैसे मुर्गा रोस्ट किया जाता है, वो तो ज़बा करके गर्दन उड़ा के, ये लोग जिंदा होंगे। जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते, जो शबे बरात जैसी रातों में नहीं आते, और आज इनसे कहा जा रहा है आज अपनी फितना परदाजी का मज़ा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। लेकिन जो लोग रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं, शबे बरात जैसी अजीम रातों को हासिल करते हैं। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिम व उयून, बेशक तकवा वाले लोग, अल्लाह को याद करने वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे, और उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया उसे ले रहे होंगे। वो तो इससे पहले नेकोकार थे। कानू कलील मिन अल्लैली मा यहजऊन, वो रात को बहुत कम सोया करते थे, और ये रात भी जागने की रात है, ये सोने की रात नहीं। अल्लाह ने कुरान में कह दिया वो कम सोया करते थे। वबिल असहारी हूँ यस्तग़फिरून, और वक्त सहर तक अल्लाह से माफ़ियाँ मांगा करते थे। जो लोग इन रातों को जागते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब पर तवक्कल करते हैं, अपने रब से तवक्को रखते हैं, वो लोग इस अजीम रातों में अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करके आने वाली ज़िंदगी को खुशगवार करेंगे। हमने तो ये देखा है, और हम दुनिया ही में इसकी लज्जत महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने बच्चों से, दोस्तों से, नबी की उम्मत से कहता हूं कि वो शबे बरात की इस अजीम शान महफिल में, जो वाबडा टाउन उस्मान चौक में मुनक्कद की जा रही है, आपको बता दें बड़ी मेहनत है इसके अंदर, बहुत वसी लंगर का अहतमाम करना पड़ता है। और आप देखते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का हाल है, ऐसे वक्त में हज़ारों इंसानों को लंगर देना नामुमकिन सी बात है, लेकिन हमने अपनी ज़ात से अहद, अपने रब से अहद किया हुआ है कि खून के आखिरी कतरे तक हम इस जंग को जारी रखेंगे। ये बरकत की रात है, जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है। शबे बरात ये किस्मत की बात है।